यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत। एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पारंपरिक तरीके से किया गया यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत। स्वागत समारोह में दिखी गुजरात की संस्कृति की झलक। यूएई के राष्ट्रपति के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में खड़ी दिखी जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में हुए शामिल। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का किया निरीक्षण। 12 जनवरी तक चलेगा ये शो। गुजरात के 3 दिनों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर के महात्मा मंदिर से की आज के कार्यक्रम की शुरुआत। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के भी दर्शन पूजन के गर्भगृह में उतारी आरती। सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी रहे साथ। सरयू में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। राम ध्वजों से रौनक हुई अयोध्या की सड़कें। अयोध्या में पान दुकानदार की अनोखी राम भक्ति। सालों से रामलला को अर्पित करते आ रहे मीठा पान। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में हो रहे आयोजन। प्रयागराज में प्राण प्रतिष्ठा का महिला कलाकारों ने किया रिहर्सल। महिला कलाकारों ने राम सीता परिवार के निभाए किरदार। महिलाओं ने प्रभु श्री राम पर पुष्प वर्षा कर उतारी आरती। राम प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में उत्साह। भुवनेश्वर के रहने वाले राम भक्त पदयात्रा कर पहुंचे अंबिकापुर। दिल्ली के गीता कॉलोनी में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति को दिया जा रहा अंतिम रूप। 22 जनवरी के दिन बजरंगबली की मूर्ति का होगा अनावरण। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मुंबई के बाजारों में छाई रौनक। रामलला की मूर्ति और राम मंदिर मॉडल के बाजारों में हो रही जमकर खरीदारी। अलीगढ़ के युवाओं में रामलला का जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा। भगवान राम वाला टैटू बनवाने की मची होड़। चंडीगढ़ के हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जोरों शोरों से तैयारी की जा रही। 11,000 मिट्टी के दीयों पर लिखा जा रहा राम। प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम भक्तों को किया जाएगा वितरित। प्रभु श्री राम के लिए अलवर के रहने वाले हिमांशु की अनोखी भक्ति। 700 किलोमीटर स्केटिंग करके अयोध्या जाएगा 10 साल का हिमांशु। हापुड़ के राम भक्त प्रोफेसर अजय कुमार की अनोखी भक्ति। कांच के प्लेट पर सुई से उकेरी रामचरित मानस की 300 पंक्तियां। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के लिए बनाया भजन। प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया। जितनी सूरत जग में देखी रामलला की सूरत प्यार। प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए लता चौक पर लगाया गया नया साइन बोर्ड। राम मंदिर समेत हनुमानगढ़ी की दूरी की मिलेगी जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। सीमा सुरक्षा बल के जवानों को किया गया तैनात। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान। समाज सेवी संगठन और यूपी सरकार की तरफ लता चौक पर सड़कों की धुलाई। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मठ और मंदिरों में तैयारी। अनादि ब्रह्म विद्यालय के छात्र वेद पाठ और स्वस्ति वाचन के अभ्यास में जुटे। गुजरात के नर्मदा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की तस्वीर वाली उड़ाई जा रही पतंग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन। गायक हरिहरन के रामधुन के मुरीद हुए प्रधानमंत्री। देना हमें सहारा श्री राम जी ओ, सबने तुम्हें। सोशल मीडिया एक्स पर राम भजन शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, हर किसी को प्रभु की भक्ति में लीन कर देने वाला है ये राम भजन। श्री राम जी देना हमें सहारा श्री राम जी। अजमेर में बनी 8 मशीनों से अयोध्या की सीता रसोई में सिकेंगी रोटियां। एक बार में बनेंगी 1200 चपातियां। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर मशीनों को अयोध्या के लिए किया रवाना। बड़ी संख्या में राम भक्त रहे मौजूद। 22 जनवरी के लिए मध्य प्रदेश सरकार का खास प्लान। नहीं होगी बिजली की कटौती। राम भक्तों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। राम मंदिर पर गरमाई सियासत के बीच में लखनऊ में समाजवादी दफ्तर के बाहर लगा राम मंदिर वाला पोस्टर। लिखा, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। राम मंदिर वाले पोस्टर पर हाथ जोड़े अखिलेश यादव की दिखाई दी तस्वीर। समाजवादी पार्टी के युवजन सभा से जुड़े आशुतोष सिंह ने लगाया पोस्टर।
समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बयान, कहा टीवी पर मोदी योगी और राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखता, राम सबके हैं सिर्फ बीजेपी के नहीं। शिवपाल यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा जिस पैसे से महंगाई रोकी जानी चाहिए, नौकरी देनी चाहिए, उस पैसे को फिजूल खर्च कर बीजेपी कर रही अपना प्रचार। लोन लेने करके फिजूल खर्ची जो हो रही है, खर्ची किसके माफ हो रहे हैं? होना चाहिए था गरीबों माफ हो रहे हैं, पूंजीपतियों। मंदिर पर सवाल उठाने वाले तेजस्वी यादव पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा खुद तेजस्वी उठा रहे राम मंदिर पर सवाल तो उनके मंत्रियों नेताओं से क्या अपेक्षा। गिरिराज सिंह ने कहा सुनियोजित साजिश के तहत सनातन धर्म पर किया जा रहा हमला, मुसलमानों को खुश करने से ये लोग ऐसा बोलते हैं ऐसी बातें। चिराग पासवान का विपक्षी दलों पर निशाना, कहा देश की एक बड़ी आबादी की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा सके, यही सोच इन दलों की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा भगवान राम के आगमन से पूरे देश में खुशी जैसा माहौल, कांग्रेस के वक्त में दंगे होते थे, अब दंगे की बात सोची भी नहीं जा सकती। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की मानसिक हालत ठीक नहीं, बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर भी किया तंज। यूपी के बांदा में कपल्स किले के पास मकर संक्रांति के दिन लगता है अनोखा मेला, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं कपल्स, मन्नत मांगने की परंपरा है। बांदीपोरा की रहने वाली गुलशाना बेगम लोगों के लिए बने इंस्पिरेशन, उम्मीद अभियान के सहयोग से बना रही एक आंगड़ी, हर दिन हो रही 2000 रुपए तक की आमदनी। झारखंड के रामगढ़ में एक अनूठी पहल की शुरुआत हुई है, अब सरकारी स्कूल के मेधावी बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर किया जाएगा सम्मानित, उपहार में मिलेगी ट्रॉफी और ब्लेजर। हैदराबाद का जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन तैयार, एविएशन स्कूल में युवाओं को मिलेगी विमानों के रखरखाव और इंजीनियर की ट्रेनिंग। उत्तरकाशी में दीदी भूली महोत्सव में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, सिलखियारा टनल के सफर रेस्क्यू की स्मृति में टेबल बुक का विमोचन किया। खेल की दुनिया से आई शानदार खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया, क्रिकेटर मोहम्मद शमी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए। कुश्ती खिलाड़ी सुनील कुमार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, कुश्ती खिलाड़ी अंतिम पंघाल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए, पैरा खिलाड़ी शीतल देवी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई। टेबल टेनिस खिलाड़ी अनिका मुखर्जी को भी मिला अर्जुन पुरस्कार, स्क्वॉश खिलाड़ी हरिंदर पाल सिंह भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए। इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए बैडमिंटन स्टार सात्विक साई राजवंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का भी हुआ चयन। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन 28 जनवरी से विदेश यात्रा पर जाएंगे, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया का करेंगे दौरा। तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट यूनियन की बेमियादी हड़ताल, वेतन बढ़ाने के साथ सरकार के सामने रखी कई मांगे। देवघर मधुपुर रेलवे स्टेशन परिसर में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के कर्मचारियों की भूख हड़ताल, पुरानी पेंशन को लागू करने और नई पेंशन नीति रद्द करने की मांग। देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव, खाली प्लॉट में सालों से पड़े क्लोरीन सिलेंडर्स में हुई लीकेज। गैस रिसाव के चलते आसपास के इलाके के लोगों को सांस लेने में दिक्कत, पुलिस ने प्रभावित इलाके के घरों को खाली करवाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रिटेन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, लंदन के टेविस्टॉक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि, डिफेंस साझेदारी को मजबूत बनाने पर होगी चर्चा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में शामिल हुए एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। दिल्ली में मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का विमोचन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हुए शामिल। गोवा के सांगली से आई गुड न्यूज, सीएम प्रमोद सावंत ने कौशल विकास पुस्तकालय का उद्घाटन किया। केरल के कोट्टायम में फिर से खुला पासपोर्ट सेवा केंद्र, 12 जनवरी से लोग बनवा सकेंगे अपना पासपोर्ट। पाली में लगातार घना कोहरा, सड़क पर विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को हो रही परेशानी। बिहार के बगहा में सर्दी का सितम, शीत लहर की चपेट में शहर, चल रही तेज ठंडी हवाएं। चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड, कोहरे की चादर में लिपटा पूरा शहर, लो विजिबिलिटी के कारण बढ़ी परेशानी।
कानपुर में झमाझम बारिश से तापमान में आई गिरावट, शहर में बढ़ गई ठिठुरन। एमपी के ग्वालियर में भी बेमौसम बारिश हो रही है, कड़ाके की सर्दी के बीच में अब बारिश ने बढ़ा दी दिक्कत। उत्तर भारत में आज भी कड़ाके की ठंड जारी, शीतलहर का कहर भी जारी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज हो सकती है हल्की बारिश, तापमान में भी आएगी गिरावट। राजधानी दिल्ली में शीतलहर ने बढ़ा दी ठिठुरन, अलाव के सहारे ठंड से बचते नजर आ रहे लोग। धुंध की वजह से दिल्ली आने वाली कई सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, देरी से चल रही कई ट्रेनें, लोगों से कोहरे में ना निकलने की अपील की गई है। दिल्ली के सरायकाला खान में बने शेल्टर होम्स ठंड में बने लोगों के लिए सहारा, बेघर लोग यहां बिता रहे रात। मथुरा में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, दिन में भी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते दिखाई दिए लोग। प्रयागराज में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक, ठंड से बचने के लिए अलाव तापते दिखाई दिए लोग। मध्य प्रदेश में भी कोहरे और ठंड की चपेट में, भोपाल में कोहरे की वजह से धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। असम के एक अभी आंगलोंग में ठंड से थोड़ी राहत, धूप खिलने से लोगों के चेहरे खिल गए। श्रीनगर में सर्दी का सितम, तापमान में आई भारी गिरावट, -4 डिग्री तक लुढ़का पारा। सीएम धामी देहरादून में ज्योतिष महाकुंभ के समापन समारोह में शामिल हुए, कहा उत्तराखंड में ज्योतिष शास्त्र की लंबी परंपरा और गौरवशाली इतिहास। श्रीलंका में पोंगल महोत्सव शुरू, त्रिंकोमाली में समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे हजारों कलाकार। श्रीलंका ने त्रिंकोमाली में जल्लीकट्टू का आयोजन किया, पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोंडामन और मलेशिया के संसद सदस्य यहां पर पहुंचे। अमृतसर की बेटी कोमलजीत कौर का कनाडा पुलिस में हुआ सिलेक्शन, घर वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। अलीगढ़ में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का चलाया अभियान, कई जगहों पर नगर निगम की टीम से व्यापारियों की हुई नोकझोंक।